हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल तन्नू की रेसिपी। आज हम आपके साथ शेयर करने आए बहुत ही क्रिस्पी, एकदम मसालेदार सूखी ड्राई सब्जी, एकदम खट्टी मीठी सब्जी, कद्दू की सब्जी, जो कि आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आने वाली है। आप एक बार ज़रूर बनाना, हमने बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाई है ये सब्जी, आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई करना। चलो अभी हम बताते हैं आपको हम ये कैसे बनाते हैं। हमने ना ये कच्चा हुआ लिया है कद्दू, अभी इसको ना आप चाहो तो पका हुआ भी ले सकते हो। मैंने ये 500 ग्राम कद्दू लिया है, अभी इसे ना कट कर लेते हैं पतले पतले ऐसे स्लाइसेस करके। थोड़ा टाइट तो कटता ही है, थोड़ा केयरफुली कट करना है। ऐसे पतले पतले स्लाइसेस करके और इसको ना ऐसे छील लेना है, पूरा अच्छे से छील के ऐसे। बहुत सारे लोग मतलब आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे मतलब छीलना नहीं है, किसी किसी को मतलब लगता है तो नहीं छीलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बगैर छीले भी बना सकते हो इसको। कुछ कुछ लोग ऐसे चिकल के साथ ही बनाते हैं, वो भी अच्छा लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो वैसे भी बना सकते हो। सारे कद्दू को ना ऐसे छील के पतले पतले स्लाइसेस कर लेना है, ऐसे इतने बड़े बड़े पीसेस कर लेने हैं, इतने बड़े पीसेस। हमने धो के एकदम क्लीन कर लिया था, इसे वॉश कर लिया अच्छे से, तो उसके बाद ही छीलना है और ऐसे इतने इतने बड़े पीसेस कर लेने हैं इसके। ऐसे ही सारा कट कर लेना है अच्छे से। हमने कट करके और एकदम देखो अच्छे से कट करके और वॉश करके अच्छे से रख लिया। अभी चलो सब्जी बनाते हैं। कढ़ाई गरम कर ली है हमने और इसमें ना अभी 1 चम्मच ऑयल डालते हैं और इसे ना अच्छे से गर्म होने देते हैं ऑयल को। अभी इसमें ना 1 चम्मच जीरा डालते हैं, इसे भी चटकने देते हैं, और 1 चम्मच मेथी दाने हमने लिए हैं 1 चम्मच, इसको भी इसमें डाल देते हैं, इसको भी अच्छे से चटकने देते हैं। सारे को ना सारे दाने ना अच्छे से चटकने देते हैं। आप चाहो तो राई भी डाल सकते हो, 1 रेड मिर्ची भी डाल देते हैं हम इसमें, इसे भी चटकने देते हैं, थोड़ा मतलब फ्राई कर लेते हैं इसे भी। और अभी इसमें ना हमने जो कट करके रखा था ना कद्दू को, अभी इसमें ऐड करते हैं और इसे ना कद्दू को अच्छे से इसमें फ्राई करना है, अच्छे से फ्राई कर लेना है, ऐसे चला चला के पूरा ऑयल मतलब ऐसे मिक्स हो जाए पूरा अच्छे से। हाई पे रखना है अभी गैस को ना, हाई फ्लेम पे रखना है और इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। अभी इसमें ना 1 चम्मच नमक डाल देते हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालो आपको जितना चाहिए, और इसे भी नमक को भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं इसमें, और इसे ना हाई फ्लेम पे चलने देना है गैस को, अच्छे से इनको फ्राई करना है। हमने ना 2 ग्रीन चिली कट करके रखी थी, अभी इसको इसमें ऐड कर देते हैं, इसको भी इनको भी मिक्स कर देते हैं, मिर्ची को भी। अभी इसे थोड़ा चला लेते हैं और इसे ना मसाले अभी इसमें ऐड करते हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डाल रहे हैं। धनिया थोड़ा अच्छा मतलब डाल देंगे क्योंकि अच्छा इससे फ्लेवर आ जाता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा डालना है। और सारे मसाले ना ऐसे, और इसमें 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, आप अपना जितना खाते हो उतना टेस्ट के अकॉर्डिंग अपना डाल लो, जितना मिर्ची चाहिए आपको कम ज़्यादा। और सारे मसाले ना ऐसे इसमें अच्छे से मिक्स कर देने हैं, और इसमें पानी तो नहीं हमने डाला है अभी, पानी की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती क्योंकि ये खुद ही पानी इतना छोड़ता रहता है, इसलिए इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है। सारे मसाले ऐसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसमें ना अभी 2 चम्मच ओनली पानी डालना है, बस 2 चम्मच पानी डालना है ताकि मसाले ना जले ना, ज़्यादा नहीं डालना है, वैसे भी ये छोड़ता रहता है पानी इसलिए। और इसे ना अभी ढक के पकाते हैं, थोड़ा सा ढक देते हैं इसे 2 मिनट के लिए, ये जल्दी ही पक जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अभी इसे ना ढक देते हैं 2 मिनट के लिए, और अभी इसे खोलते हैं, 2 मिनट हो गए हैं, और अभी इसमें ना 2 चम्मच चीनी डालते हैं क्योंकि थोड़ा खट्टी मीठी सब्जी बहुत अच्छी लगती है, इसमें 2 चम्मच चीनी डाल देते हैं। वैसे भी कद्दू तो खट्टा मीठा ही बनता है, तभी एकदम टेस्ट आता है अच्छा सा। 2 चम्मच चीनी डाल देते हैं, आप अपने मतलब
और इसमें ना आपके पास अगर आमचूर हो तो आमचूर भी डाल सकते हो। मेरे पास एप्पल विनेगर है तो मैं एप्पल विनेगर डाल रही हूँ। इसमें खट्टी चीज़ ज़रूर डाल लें, इमली भी डालते हैं, आप इमली भी डाल सकते हो इसमें। और एप्पल विनेगर हो आपके पास तो एप्पल विनेगर डाल दो, आमचूर डाल दो। और इसे ना अच्छे से मिक्स कर देते हैं, चीनी को और एप्पल विनेगर को। और इसे ना अभी ऐसे खोल के पकाना है, थोड़ा ये पानी है ना जो निकला है इसमें थोड़ा सा जल जाएगा। अब देखो हमारी सब्जी बनके रेडी हो गई है। अभी इसमें ना धनिया ऐड कर देते हैं, बहुत टेस्ट अच्छा बढ़ जाता है और इसे देखने में भी अच्छा लगता है। थोड़ा थोड़ा धनिया डाल देते हैं इसमें बारीक कटा हुआ, और इसमें अच्छे से मिक्स कर देना। ज़्यादा नहीं चलाना है, नहीं तो ज़्यादा मतलब मैश भी नहीं करना है पीसेस, नहीं तो अच्छी नहीं लगती है सब्जी। और देखो बन के रेडी हो गई है, कितनी क्रिस्पी मसालेदार, कितनी अच्छी लग रही है, देखने में पता चल रहा होगा। चलो अभी आप लोगों को ना सर्व करके दिखाते हैं हम। वो कितनी अच्छी लग रही है ना एकदम। आपको अगर ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्जी चाहिए तो आप थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड कर सकते हो, तो वो ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्जी बन जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारे रेसिपी की सब्जी पसंद आई हो वीडियो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। हमारी कद्दू की सब्जी ना बन के रेडी हो गई है, आप लोग को देख के पता चल रहा होगा कितनी अच्छी मसालेदार सूखी सब्जी, एकदम खट्टी मीठी सब्जी बन के रेडी हो गई है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।